हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है स्पोर्ट्स नेस्ट पर। मैं हूं अंकित पाल। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रन मशीन विराट कोहली साल 2019 के बाद से एक भी इंटरनेशनल शतक नहीं लगा पाए हैं। विराट कोहली के अलावा टीम के मौजूदा कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा भी काफ़ी वक्त से कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। भारतीय टीम के ये दो सुपरस्टार बल्लेबाजों का बल्ला खामोश है और फैंस निराश। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया है कि रोहित और विराट का बल्ला खामोश हो गया है। एक वक्त रन मशीन की तरह रन बना रहे ये दोनों बल्लेबाजों को आखिर किसकी पनौती लग गई है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों बल्लेबाजों को किसकी नज़र लग गई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्लॉप होने के पीछे एक ऑस्ट्रेलियाई कनेक्शन है जो हम आपको बताएंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही बल्लेबाज पिछले कुछ वक्त से बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। रोहित शर्मा तो बीच बीच में अपने फैंस को जरूर सरप्राइज कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली साल 2019 के बाद से लगातार अपने फैंस को निराश कर रहे हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला एकदम से खामोश हो गया? दरअसल इन दोनों दिग्गजों के फ्लॉप होने के पीछे रिकी पॉन्टिंग कनेक्शन है। कौन बना रोहित विराट के लिए पनौती? दरअसल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, दिग्गज बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान और बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। क्रिकेट के मैदान पर उनके नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। अपने वक्त में पॉन्टिंग जब जब मैदान पर उतरे, सामने वाली टीम के गेंदबाज उनसे थर थर कांपा करते थे। वर्ल्ड क्रिकेट में उनके डोमिनेंस की गवाही उनके रिकॉर्ड्स देते। मगर अब उनके कुछ रिकॉर्ड्स भारत के दो महान खिलाड़ियों के लिए पनौती बनते जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पनौती बनते जा रहे हैं। जब भी उनका कोई रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली के आड़े आता है तो पनौती लग जाती है और दोनों खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ने से चूक जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि चार चार बार हो चुका है। आइए आपको वो चार बड़े रिकॉर्ड्स बताते हैं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए पनौती बन चुके हैं। शतक के लिए तरस रहे हैं कोहली। विराट कोहली अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतक लगा चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली शतकों के मामले में तीसरे नंबर पर आते हैं। विराट कोहली से सिर्फ एक शतक ज्यादा रिकी पॉन्टिंग के शतक है और कोहली साल 2019 के अंत से एक भी शतक नहीं लगा पाए। विराट कोहली एक शतक और लगा देते हैं तो वो पॉन्टिंग के इस रिकॉर्ड को तोड़ने से एक कदम दूर होंगे। रोहित शर्मा कब लगाएंगे ओडीआई में अगला शतक? टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में 29 शतकों के साथ चौथे नंबर पर है। उनके ऊपर रिकी पॉन्टिंग 30 शतकों के साथ मौजूद है। पॉन्टिंग के रिकॉर्ड के नजदीक पहुंचने के बाद रोहित के बल्ले से पिछले 18 महीनों में कोई वनडे शतक नहीं आया। तोड़ते तोड़ते रह गए कोहली पॉन्टिंग का रिकॉर्ड। बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग के नाम है। पॉन्टिंग ने कुल 28 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली पॉन्टिंग के रिकॉर्ड के बराबर तो पहुंचे पर उसे तोड़ ना पाए। कोहली ने कुल 27 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। यहां भी लग गई रोहित को पनौती। साल 2003 में लगातार 20 मैच बतौर कप्तान जीतकर रिकी पॉन्टिंग ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा अभी हाल ही में पॉन्टिंग के इस रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते रह गए। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान 19 मैच जीते और अपने 20वें मुकाबले में टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके।